दिस इज अखीरा नहीं अहिका आहिरा व्हाट इज एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वंस अगेन स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ माय अमेज़न शॉपिंग हॉल। और इस बार मैंने लिए हैं कुछ कुर्ते और एक लिया है मैंने क्रॉप टॉप कम ब्लाउज। उसको आप ब्लाउज की तरह से भी यूज़ कर सकते हैं एंड क्रॉप टॉप की तरह से भी। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज जितने भी मैंने प्रोडक्ट्स लिए हैं वो एक बार फिर से बहुत बहुत औसम है। अगर आप एक किफ़ायती रेंज में अच्छे कपड़ों की क्वालिटी के साथ सब कुछ अच्छा चाहते हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। बट येस, वीडियो में जाने से पहले कि अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं पहली बार तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे हिट करके मेरी चैनल के यानी फैमिली के मेंबर बन जाइए। एंड उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर हिट कीजिएगा बिकॉज उससे मिलती है आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस वीडियो एंड सी व्हाट ऑल प्रोडक्ट्स आई हैव गॉट। तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो मैंने ये पहन रखा है आउटफिट मैं उसकी बात कर लेती हूँ। माई गॉड, दिस इज़ सो प्रिटी, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है कॉटन के कपड़े। एंड स्पेशली दीज डेज मुझे कॉटन इतना पसंद आ रहा है कि मतलब मैं कॉटन की साड़ी भी ले रही हूँ, कॉटन की सूट भी ले रही हूँ, सब कुछ कॉटन का हो रहा है। एंड स्पेशली ये जो आजकल रेडीमेड कॉटन चल गया है ना, इनका एक बड़ा अच्छा वो है कि सारी चीज़ें मैचिंग मिलती हैं। मतलब पैजामा आपको मिल रहा है, सूट मिल रहा है, मतलब कुर्ता मिल रहा है एंड दुपट्टा ऑल्सो। आपको अलग से फैब्रिक लेके सिलवाने की या अलग से सूट का कपड़ा लेके सिलवाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको बना बनाया मिल जाता है एंड दैट टू इन योर फिटिंग। तो ये मैंने लिया है अमेजन से। साइज एंड प्राइस जो भी है मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। सबसे पहले बात करती हूँ कुर्ते की। एज यू कैन सी कितना सुंदर कुर्ता है, द कलर इज वेरी वेरी प्रिटी ग्रीन कलर, बहुत डार्क ग्रीन कलर नहीं है, पैरट ग्रीन नहीं है, इट्स समवेयर अराउंड डार्क ग्रीन और सी ग्रीन के बीच में है। एंड व्हाइट कलर के प्रिंट वर्क है। येस, इसमें थोड़ा सा क्या कहते हैं, थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए, इन्हांस करने के लिए इसके लुक को गोटा पट्टी की डिजाइनिंग दी हुई है ऑन ये स्लीव्स पे दी है। नीचे आपको पजामे में मिल जाती है, पजामे में भी दो तीन लाइनिंग दी हुई है गोटा पट्टी की एंड पूरे दुपट्टे में इस तरह से आपको गोटा पट्टी की डिजाइनिंग मिल जाती है। ओवरऑल ये सूट मुझे बहुत पसंद आया, बिल्कुल भी ट्रांजी नहीं है, मोस्ट कंफर्टेबल है। फिटिंग जो मैंने मंगाया है आप देख सकते हो परफेक्ट है, ना मुझे टाइट है ना मुझे ढीला है, एंड आई लव दिस। ओके, तो ये थी इसके बाद। एंड दुपट्टे का साइज भी परफेक्ट है, मतलब ना ही छोटा है ना ही बड़ा है, बहुत अच्छा परफेक्ट साइज है। एंड दुपट्टा इवन यू कैन सी, मैंने वीडियो में भी दिखाया है, आप आर पार रेयरली देख सकते हो बिकॉज बहुत अच्छा मोटा कॉटन है। ये नहीं कि हल्का फुल्का कुछ भी कॉटन का कपड़ा लगा के सिल दिया हो, नहीं, बहुत ही अच्छा है। एंड अगर आपको रेडीमेड सूट चाहिए कॉटन का तो डेली वेयर के लिए, ऑफिस वेयर के लिए, दिस इज़ परफेक्ट एंड यू शुड गो फॉर इट। गले पे जो ये थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग की है बहुत सुंदर है, आपके नेक वगैरह बहुत अच्छा परफेक्ट आ जाता है, चिपक के आ जाता है एंड दैट्स इट। सो ये था मेरा पहला परचेज एंड आई होप आपको ये पसंद आया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड वन एंड सी की सेकंड वाला कौन सा है। ओके, तो सेकंड इज आल्सो वन ऑफ माय फेवरेट्स एंड ये कलर ना मेरा बहुत बहुत फेवरेट है, दैट इज पिंक कलर। पिंक कलर आई थिंक सभी लड़कियों का फेवरेट होता है एंड दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट कलर्स। इस कुर्ते का भी मैं आपको ट्राई ऑन दिखा दूंगी, आप देख लीजिएगा। कपड़ा कॉटन है बट कॉटन के साथ आई थिंक रेयॉन मिक्स है बिकॉज थोड़ा सा फ्लोई है, नॉट जैसा मैंने पहन रखा है जो ये वाला पहला वाला आपको दिखाया, इसकी तरह से प्योर कॉटन जैसा नहीं है, थोड़ा सा इसमें फ्लो है। एंड इसकी सबसे अच्छी बात ये लगी कि कुर्ते के अंदर आपको लाइनिंग दी हुई है तो ये बहुत झलझला सा मतलब नहीं है, मतलब अच्छे से लाइनिंग दी हुई है तो आपको ट्रांजी का भी वो टेंशन नहीं होगा, आप अंदर पहनो ना पहनो, स्लिप पहनो, कोई टेंशन नहीं है, मतलब दिखेगा नहीं। एंड इसमें भी गोटा पट्टी की आपको डिटेलिंग मिल जाती है ऑन स्लीव्स, आप देख ही सकते हो। नेक सिंपल दिया है, कुछ ऐसा एज सच नहीं है, गोस रिकी ब्रांड है एंड इसके मैंने पहले भी कुर्ते ट्राई किए हैं, आई थिंक मुझे बहुत पसंद आए हैं। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो चौक साइड जो होती है वहाँ पर भी आगे फ्रंट साइड में आपको गोटा पट्टी की डिजाइनिंग मिल जाती है, दिस इज द गोटा पट्टी। सो येस, समीज मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब कुर्ता इसका बहुत अच्छा है, परफेक्ट है। एंड टॉकिंग अबाउट द प्लाजो पैंट, ये भी काफ़ी अच्छा है, कंफर्टेबल है, इसका भी कपड़ा प्योर कॉटन नहीं है बट येस रेयॉन मिक्स है, बट स्टिल इट इज़ कॉटन, बहुत अच्छा है, फ्लो बहुत अच्छा है इसका, ये नहीं चिपका चिपका रहेगा तो इसकी ये खास बात है। एंड सबसे अच्छी बात ये कि इतने कम्फर्टेबल हैं कि आप मतलब गर्मी में आराम से पहन सकते हो। येस, एक इसका नेगेटिव पॉइंट है, नेगेटिव मुझे लगा बिकॉज ऑब्वियसली मैं डेली लाइफ में नहीं यूज़ कर पाऊँगी, वो है ये नेट का दुपट्टा इसका, बिकॉज अगर मुझे बाहर जाना है कहीं तो ये शो के लिए ही सिर्फ अच्छा लगता है, ये ऐसे कोई पर्पज़ इसका फुलफ़िल नहीं करेगा, तो ये इसका दुपट्टा है। दुपट्टे की लेंथ परफेक्ट है, बीच बीच में आपको इस तरह से डिटेलिंग मिल गई है, अगर आपको दिखाई दे तो यहाँ पे
छोटी छोटी मोतियों और फ्लावर का वर्क है जो कि अच्छे से इसमें स्टिच किया हुआ है या पेस्ट किया हुआ है, वॉट एवर पंच किया हुआ है, तो इससे ये है कि ये निकलेगा नहीं इतनी आसानी से। वैसे भी नेट का दुपट्टा है, आपको बहुत पटक के धुलने की ज़रूरत नहीं है। तो बस एक मुझे निगेटिव पॉइंट लगा कि इसमें नेट का दुपट्टा दिया है। अगर आपको नेट का दुपट्टा अच्छा लगता है, थोड़ा फैंसी अच्छा लगता है, तो ये चल जाएगा, बट फॉर डेली पर्पज़ मुझे ऐसा लगता है कि इसके साथ आप कोई इस कलर का मैचिंग दुपट्टा पेयर कर लें तो बहुत अच्छे से जाएगा। तो ये था मेरा सेकेंड परचेज़। बस द थर्ड एंड थर्ड इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट्स, और ये बहुत बहुत प्यारा है। सी दिस, ऐसा तो नहीं है कि दोनों इस एक जैसा लग रहा है, ये ग्रीन में है एंड दिस इज़ लाइट ब्लू, जो आसमानी ब्लू होता है ना, जो आसमान वाला ब्लू कलर वो है, एंड दिस इज़ वेरी प्रिटी, बहुत बहुत प्यारा है। मैं स्क्रीन पे आपको दिखा दूंगी, मैंने ट्राई ऑन करके देखा है एंड ये इतना खूबसूरत है ना। जो ब्रांड है ये अहिका ब्रांड है एंड आपको इस तरह से कॉटन, ये प्योर कॉटन में, ऑल दो मैंने इसकी जब पिक देखी थी तो मुझे जॉर्जेट जैसा मटेरियल लग रहा था पिक में, तो मुझे लगा था चलो जॉर्जेट जैसा है तो बहुत कंफर्टेबल होगा, बट मुझे प्योर कॉटन रिसीव हुआ है एंड आई थिंक ये कॉटन ही था, बट मुझे देखने में थोड़ा सा डाउट लग रहा था। हाथ इसका बहुत अच्छा है, थोड़ा सा आपको फ्रिल्स मिल जाते हैं, ऐसे पाइपिन आपको थोड़ी बहुत मिल जाती है, बहुत अच्छे से बनाया है, डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी है एंड कम्फर्टेबल बहुत है, बहुत ही अच्छा कॉटन वर्क है इसमें, बहुत अच्छा कॉटन का कपड़ा यूज़ किया गया है एंड नेक पे भी आपको थोड़ी बहुत डिटेलिंग ऐसे मिल जाती है जो कि बहुत खूबसूरत बना देती है इसे। एंड नॉर्मली सिंपल कुर्ता है, एज सच कुछ इसमें फैंसी नहीं है, बस ये है कि इसमें हाथ में थोड़ा सा कारीगरी कर दी गई जिसकी वजह से थोड़ा सा फैंसी लुक मिल जाता है एंड ट्रेंडी लगता है, अच्छा लगता है। पहनने के बाद आप देख ही सकते हो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है मेरे ऊपर। पजामे की अगर मैं बात करूँ तो पजामा इस तरह से प्रिंटेड आपको मिल जाएगा, ये भी कॉटन में ही है, काफ़ी मोटा चौड़ा आपको वो दिया हुआ है, साइड में आपको पजामे के इस तरह से मिल गया है कट एंड सीधस, इस तरह से आपको कट मिल जाता है एंड डिटेलिंग मिल जाती है एंड इसमें आई थिंक पॉकेट्स हैं दोनों साइड में, तो यस दीज हैज़ पॉकेट्स, तो दोनों साइड में है, यस दोनों साइड में इसमें पॉकेट मिल जाती है आपको। तो ये आप एज अ कुर्ता एंड प्लाजो भी कैरी कर सकते हो, आप दुपट्टा नहीं भी लगाओगे तो भी चल जाएगा, बहुत स्मार्ट लगता है, बट आई थिंक दुपट्टे के साथ इसकी खूबसूरती और बढ़ जा रही है। दुपट्टे की लेंथ वन सेकेंड, फुल लेंथ का दुपट्टा आपको मिलता है, प्योर कॉटन का दुपट्टा है। इनके साथ आपको यही है थोड़ा सा मैनेजमेंट में आपको दिक्कत आएगी, आपको प्रेस वगैरह हमेशा करना पड़ेगा, अदरवाइज दीज आर ऑल वेरी वेरी प्रिटी एंड बहुत अच्छे प्राइस में मुझे मिले हैं। एंड प्योर कॉटन का कपड़ा मैंने बहुत सारे इंस्टाग्राम स्टोर्स पे देखा है जो इस तरह के पूरे सेट में आते हैं, 2000-3000, इवन अगर मैं आपको रेंज बताऊँगी आप शॉक्ड हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा रेंज के 10,000 तक के मैंने कुर्ते और उसके पिक्स देखे हैं जो बहुत सुंदर लगते हैं ना, वो पता चलता है बहुत ही हाई रेंज के हैं, तो आई थिंक वो तो मैं नहीं अफोर्ड करना चाहूँगी, आई कैन बट आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय मनी ऑन दोज 10,000 के कपड़े, तो मेरे लिए ये परफेक्ट है एंड ये जिस दाम में मिले हैं एंड जो क्वालिटी में मिले हैं आई स्वेयर बाय बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी रील है, आप ज़रूर लीजिएगा, लिंक सभी के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और प्रोडक्ट है जो बहुत टाइम से मैंने देख के रखा था बट अवॉइड कर रही थी बट फाइनली आई गॉट इट एंड वो है ये है एक वेलवेट का क्रॉप टॉप जो कि कॉलर जो कि इस तरह से हाई नेक में आता है, यस हाई नेक, बट ये पूरा हाई नेक नहीं है, इतना ही है, बस इतना सही है, स्लीवलेस है ये, है तो वैसे क्रॉप टॉप बट आप इसको एज अ ब्लाउज भी पेयर कर सकते हैं एंड ऑब्वियसली मैं क्रॉप टॉप नहीं पहनती हूँ तो मैंने इसे ब्लाउज की तरह से ही यूज़ करने के लिए लिया है। इसका कपड़ा आप देख सकते हो वेलवेट का है एंड ये मरून कलर में है, बहुत ही प्यारा है। इसके साथ एक नेगेटिव पॉइंट है कि आप ना पूरा घुसा लोगे बट जब नेक की बारी आएगी तो नेक स्ट्रेचेबल नहीं है बहुत ज़्यादा, ऊपर होगी भी तो जो सिलाई है वहाँ पे स्ट्रेचेबल नहीं है तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, थोड़ी सी नहीं इनफैक्ट ज़्यादा से आएगी। तो अगर आपको इसको पहनना होगा ना तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप बिना मेकअप के ही पहनिएगा एंड देन उसके बाद आप जो भी आपको तैयार होना है, बाल बनाने, कान में पहनना, नाक में पहनना, जो भी करना है तब कहिए, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत आएगी, अदरवाइज़ नीचे की सारी फिटिंग बहुत अच्छी है। आई थिंक यहाँ पीछे की साइड में कुछ तो देना चाहिए था बट नहीं है, बट फिलहाल मुझे ये भी बहुत पसंद आया है एंड ट्राई ऑन आप देख के समझ ही गए होंगे कितना खूबसूरत लगेगा, बहुत स्मार्ट लगता है। सो दीज वर ऑल द थिंग्स दैट आई गॉट फ्रॉम अमेजन और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद आया है, मेक श्योर कि कमेंट करें आप ज़रूर एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर वीडियो पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बिकॉज आप वीडियोस देख लेते हैं एंड सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप लविंग, बाय बाय।